हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ कोई भी मेकअप शेकअप नहीं शेयर करने जा रही हूँ, बल्कि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम कैस्टर ऑयल को यूज कर सकते हैं और किस किस तरह से यूज कर सकते हैं और क्या क्या फायदे होते हैं कैस्टर ऑयल को यूज करने के। तो यही सब चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। और कैस्टर ऑयल के बहुत सारे फायदे होते हैं हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए और खासतौर से हमारे नेल्स के लिए। बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने स्किन में चमक ला सकते हैं इसे यूज करने के बाद, तो चलिए देख लेते हैं। सो दोस्तों, इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे हाथ में इस वक्त है ये पॉजिटिव रूट थेरेपी अल्ट्रा हाई पोटेंसी कैस्टर ऑयल फॉर हेयर, फॉर स्किन, फॉर नेल्स। सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की हुई है। पहले किसी और तरह की पैकेजिंग में आता था, बट अभी मुझे ये न्यू पैकेजिंग में रिसीव हुआ है। आप देख सकते हैं सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की हुई है, डायरेक्शन ऑफ यूज कैसे आप इसे कर सकते हैं। तो ये देखिए, और अभी ये प्लास्टिक में ब्लैक कलर की बॉटल में मुझे रिसीव हुआ है। ये देखिए, इसकी पैकेजिंग काफी अच्छी है गाइस, काफी पॉकेट फ्रेंडली है, ट्रैवल फ्रेंडली है। आप इसलिए इसे अपने पर्स में भी कैरी कर सकती हैं। और इसकी लिड भी काफी अच्छी है गाइस, इसे आप इजीली ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, आप अपने अकॉर्डिंगली भी इसकी क्वांटिटी ले सकते हैं जितनी भी आपको चाहिए। इसकी लिड काफी अच्छी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी कंसिस्टेंसी की। तो ये देखिए, काफी थिक कंसिस्टेंसी है। ये देखिए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइज, अगर आपको ये थोड़ा सा स्टिकी लगता है तो आप इसमें कोई और ऑयल भी ऐड कर मिक्स कर लगा सकते हैं। खुशबू की अगर बात करूं तो इसकी खुशबू प्योर कैस्टर ऑयल जैसी ही है, जैसे कि प्योर कैस्टर ऑयल की खुशबू होती है बिल्कुल वैसी है। और इसमें कोई भी कलर वगैरह इसमें ऐड नहीं है, कोई केमिकल्स नहीं है और ये पैराबिन फ्री है। और जैसा कि आप दोस्तों जानते ही हैं कि पैराबिन फ्री चीज़ें जो होती हैं वो हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। और मुझे ये ऑयल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसे काफ़ी यूज़ भी कर चुकी हूँ। और यूज़ करने के बाद ही गाइस मैं आपसे इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी है गाइस, जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं टूटे इसे इस्तेमाल करने के बाद। जी हाँ, मैंने ये बालों के लिए इस्तेमाल किया और इससे मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं। वन एप्लीकेशन में ही मुझे बहुत ही ज़्यादा इसके अच्छे रिजल्ट मिले हैं। मैं इसे आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी गाइस। और अगर आपको ये लगता है कि इसकी कंसिस्टेंसी काफी थिक है तो आप इसमें कोई और ऑयल भी ऐड कर लगा सकते हैं, जैसा कि कोकोनट ऑयल या फिर आमंड ऑयल भी आप इसमें मिक्स कर लगा सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि लंबे नाखून और मजबूत नाखून तो हम लड़कियों को बहुत पसंद होते हैं। अगर आपके नाखूनों की ग्रोथ नहीं होती है, आपको क्यूटिकल्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आपके नाखून कमजोर होकर टूट जाते हैं, तो आप इस ऑयल को एक से दो ड्रॉप ले लीजिए और अपने नेल्स पर इस तरीके से मसाज करते हुए लगा लीजिए। आई एम श्योर फ्रेंड्स कि आपको जरूर हेल्प मिलेगी, आपके नाखून भी मजबूत होंगे, आपके नेल्स की ग्रोथ भी फास्ट होगी, आपके नाखूनों को मजबूती देगा, आपके क्यूटिकल्स की प्रॉब्लम को दूर करेगा। और इस तरीके से आप मसाज करते हुए रात को लगाकर इसे सो जाइए। ये सभी चीजें गाइस मैं अपनी रात में डेली रूटीन में करती हूँ। सो गाइस, अब मैं आपको बता देती हूँ कि स्किन के लिए कैसे बेनिफिशियल है हमारी। अगर आपको डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है, एक्ने की इसकी प्रॉब्लम है, तो आपके एक्ने वगैरह पर और डार्क स्पॉट पर भी बहुत ही मतलब अच्छे से काम करेगा। आप अपने फेस पर इस तरीके से हल्के हाथों से एक या दो ड्रॉप ले लीजिए और हल्के हाथों से अपने फेस पर इस तरीके से लगा लीजिए। जहां भी आपको आपके फेस पर प्रॉब्लम है एक्ने की, डार्क स्पॉट की, वहां पर आप इसे अप्लाई कर लीजिए कुछ इस तरीके से, जैसा कि मैं यहां पर कर रही हूं। और बस इसे रात को लगाकर सो जाइए और नेक्स्ट डे अपने फेस को वॉश कर लीजिए फेस वॉश से। स्किन से रिलेटेड गाइस मैं आपको एक और चीज इसकी बताना चाहती हूँ, अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम है तो अभी आप इसे वहां पर लगा सकते हैं, इससे आपकी स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम भी दूर होगी। और आपने 30 डेज तक इसे कंटिन्यू लगाना है, रेगुलर आप लगाइए इसे, कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। आपकी स्किन में एक चमक भी आएगी आप देखेंगे, और आपके स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम को भी ये दूर करेगा। आपने इसे रेगुलर लगाना है तभी आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे गाइस। ऐसा नहीं होता कि एक या दो दिन लगाया तो तीसरे दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। इससे आपको इसके बेनिफिट्स जल्दी नहीं मिलेंगे, तो इसलिए आप इसे 2 से 3 हफ्ते या फिर 1 महीना आराम से लगाइएगा, तभी आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। नेक्स्ट जो गाइस इसका यूज मैं आपको बता रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अपनी आईब्रोज पर और आईलैशेस पर इसे लगा रही हूँ। अगर आपकी आईब्रोज की ग्रोथ नहीं होती है या आपकी आईब्रोज की ग्रोथ बहुत ज्यादा कम है तो आप इसे अपनी आईब्रोज पर भी इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैं लगा रही हूँ। और अगर आपकी आईलैशेस अगर घनी नहीं है, लंबी नहीं है, तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और लंबी और घनी आईलैशेस तो हर एक को काफी पसंद होती है और हम लड़कियों को तो खासतौर से पसंद होती है। इसके लिए आपको फेक लैशेस लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस, अगर आप इसे हर रोज रात को अपनी आईब्रोज पर और अपनी आईलैशेस पर इसे लगाकर सो जाते हैं तो। ओवरनाइट इसे लगा रहने दीजिए, इसका कोई भी नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपके बालों में रूसी की प्रॉब्लम है, अगर आपकी ड्राई स्कैल्प है, दो मुहे बालों की समस्या है, अगर आपके बाल फ्रीजिंग है, तो बहुत ही हेल्प करेगा इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने में गाइस। ये ऑयल बहुत ही अच्छा है, प्लीज इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। बालों के लिए, स्किन के लिए और नेल्स के लिए ये ऑयल बहुत ही अच्छा है।
उसके बाद गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ एक चीज और, कि आप इस ऑयल को दिन के वक्त आईब्रोज पर या अपने बालों में ना अप्लाई करें, क्योंकि ये काफी ठीक है, वरना दुनिया भर की धूल मिट्टी आपके बालों में जमा हो जाएगी। तो आप इसे अपने बालों वगैरह में दिन के वक्त अप्लाई मत कीजिए। जब भी आपने अपने बालों को वॉश करना है तो आप इसे रात के टाइम पर लगाकर सो सकते हैं, और नेक्स्ट डे आप अपने बालों में शैम्पू कर लीजिए जो भी आप यूज करते हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपने बालों में इस ऑयल को अप्लाई कर लिया है, और मैं आपको अपने बालों को वॉश कर भी दिखाऊंगी। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगी कि इसे अप्लाई करने के बाद मेरे बालों में कितनी अच्छी शाइन आई है, और मेरे बालों को इसने सिल्की और स्मूथ भी बनाया है। तो ये सब चीजें भी मैं आपको दिखाऊंगी। सो गाइज, आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने शाइनी और स्मूथ लग रहे हैं, सिल्की लग रहे हैं और बाउंसी भी लग रहे हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगा है गाइज ये ऑयल, इसके रिजल्ट मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं। मैं इसे आपको जरूर रिकमेंड करूंगी फ्रेंड्स, और इसकी परचेज लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज यूजुअल दे दूंगी, आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का पॉजिटिव कैस्टर ऑयल का रिव्यू। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज गाइस मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।